चली गई जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा है, उन्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए जियो। तुम्हें जीना होगा वृंदा। चल दिए रखो और अब शाम की पूजा की तैयारी करते। मुझको यारों शराब पी है? सॉरी बुआ जी, हमने आपको बहुत रोका लेकिन रोक नहीं पाया। ये बुरी लत है ना, इतनी आसानी से नहीं छूटती। ये लो नींबू पानी पियो। सॉरी माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं तुझे दोष नहीं दे सकती, दोषी तो तेरी बीवी है जिसके कारण तेरी ये हालत हुई है। रूपा की गिरी हुई हरकतों ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कोई बताओ इनको, बताओ इनको कोई, ये क्या हालत बना रखी। अरे इन्हें कोई बताइए कि इनकी बहन की शादी की तैयारियां चल रही है। एक पिता के बाद आपका फर्ज बनता है अखिलेश बाबू कि आपकी बहन की शादी की जिम्मेदारी आप उठाएं। चलो ठीक है, तुम जिम्मेदारी मत उठाओ, लेकिन कम से कम ऐसे दारू के नशे में आके आपकी बहन का सर तो मत झुकाइए किसी के सामने। इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मुनीम जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे चेतना की शादी कर ली है और आप चाहते हैं कि मैं अच्छा वाला बड़ा भाई बनकर अपना व्यवहार ठीक करूं। हाँ क्यों मां, आपने चेतना की शादी तय कर दी है? हाँ अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो उसने कॉलेज खत्म किया है। ये लो, एक साल हो गया उसे कॉलेज खत्म किए हुए। कैसे भाई हो तुम? चिंता बंद कर दो, कोई जिम्मेदारी मत लो तुम। मैं हूं ना उसकी मां, उसकी शादी करवा दूंगी मैं। घर में कोई कुछ बताता ही नहीं। हाँ इतना जरूर है, शॉपिंग देख के लगता है कि वाकई घर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अरे तू कभी होश में हो तो तुझे कुछ बताए ना। अखिलेश भाई साहब, चेतना की शादी तय हो चुकी है। चेतना की शादी हो रही, मेरी चेतना इस घर से चली जाएगी? चलो अच्छा है, किसी को तो इस घर से छुटकारा मिलेगा।
लेकिन भाई कम से कम मुझे इतना हक तो है कि मुझे ये पता चल सके कि चेतना का होने वाला पति कौन है। तुम जानते हो उसे? रुद्र। रुद्र से शादी हो रही है चेतना की। रुद्र? वो अनाथ? पुलिस स्टेशन। बोलिए। हमने यश भानु प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। यश को? क्यों? ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। ओके। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? यश को किसी के घर में घुसने के जुर्म में थाने में बंद किया। क्या होता जा रहा है? देखो सिद्धार्थ बेटिया, ये सब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाके यश बाबा की जमानत करवाते हैं। मोहिम जी, जमानत के लिए पैसे लगेंगे। हाँ तो? पैसे आप लोग खर्च कर चुके हैं शॉपिंग में, अब सिर्फ रूपा है जिससे पैसे लिए जा सकते हैं। सोच क्या रहे हैं? और कोई चारा भी तो नहीं है। यश के लिए रूपा से पैसे मांगेगा? मां, मैं जानता हूं कि यश गलत है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि रूपा की गलती के सामने यश की गलती माफी के लायक है। और फिर वो मेरा भाई है, मैं उसे जेल में नहीं रहने दे सकता। पैसे नहीं दिए तो हम राधा आंटी की मदद ले लेंगे। कब तक राधा जी हमें मदद करती रहेंगी? राधा जी, यश जेल में है। क्या हुआ राधा जी?
अपना घर छोड़कर चली गई। जानती हूँ ये चिट्ठी पढ़ने के बाद आपको बहुत दुख होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, इस शादी के लिए अपने आप को नहीं समझा पा रही। मैं अपने पूरे परिवार के सामने खुशी का दिखावा कर सकती हूँ, लेकिन खुद को कभी धोखा नहीं दे पाऊंगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है राधा आंटी, एक माँ के जैसे आपने मेरी हर खुशी चाही है। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी, और ऊपर वालों ने कभी मौका दिया तो आपके उन एहसानों का बदला सर चुकाऊंगी, क्योंकि खुद को तलाशना है मुझे। जब मुझे अपने पास एक सही जवाब मिल जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। कुछ बात करनी थी। कहिए। वो तुमसे थोड़ी मदद चाहिए थी। यश जेल में है, उसकी जमानत के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। ये रही तिजोरी की चाबी। आप यश की मदद करना चाहते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो कीजिए, पर एक बार मेरे बारे में जरूर सोच लीजिएगा। आपने तो उसे मेरी हालत देखी थी। हम जानते हैं कि अगर उस वक्त आप नहीं आते तो को जानते हुए भी अगर आप फिर भी एक ऐसे इंसान की मदद करना चाहते हैं जिसने आपकी पत्नी के साथ ऐसा किया है तो ठीक है, चाहिए, मदद कीजिए यश की। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। Thank you.
यश, अभी तो तू सिर्फ जेल गया है, अब कोई नहीं बचाएगा तुझे। सड़ेगा जेल में तो, तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। अखिलेश, मैंने एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया है, जहां हम लोग वो सारी बेबस औरतों की मदद करते हैं जिन्हें उनके अपनों ने जिस्म के धंधे में धकेल दिया। अब सब मेरी तरह भाग्यशाली तो नहीं होते ना। चेतना ठीक तो होगी ना? बिल्कुल फिक्र मत करो, चेतना बहुत समझदार, अपना ख्याल रखेगी, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। अखिलेश को बता देंगे कि चेतना घर से। ये गलती निर्मला कभी मत करना, वो तो वैसे ही यश के जेल जाने से परेशान है, और अगर ये खबर मिली तो नहीं, उसे मत बताना। माँ, मैं पैसे नहीं लाया। अरे रूपा से तो हमें वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं बुआ जी, रूपा पैसे देने के लिए तैयार है। अरे तो फिर क्यों नहीं ला पाया पैसे? बस मेरा मन ही नहीं हुआ पैसे लेने के लिए। तू कैसी बातें कर रहा है अखिलेश, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजीब उटपटांग बातें कर रही है, कहीं फिर से शराब पी के तो नहीं आया तू? काश मैंने शराब पी होती और थोड़ी सी, तो शायद पैसे ले आता। सितारा, तुम अपने पति के बारे में सोच रही होगी, उसे जेल से कैसे छुड़ाया जाए, लेकिन यश ने रूपा को उस आदमी के पास भेजा था जिसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं की। पागल हो गया तू? कहां की बात कहां लेकर बैठ गया तू? अरे तेरा भाई जेल में है। नहीं बुआ जी, अखिलेश भाई साहब एकदम सही कह रहे हैं। अखिलेश भाई साहब, अभी जो आपने कहा उससे एक बात तो एकदम साफ है कि आपके दिल में आपकी पत्नी के लिए कितनी इज्जत है। हर पत्नी को ऐसे सौभाग्य नहीं मिलता। यश को जेल से कैसे छुड़ाएंगे? तो क्या जेल में ही पड़ा रहेगा? अरे कुछ तो करना होगा। माची, मेरे पास एक तरीका है।